नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वो है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अभिक्रियाओं के वो प्रकार हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए अब हम अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, जो है विस्थापन अभिक्रिया। ये शब्द विस्थापन हमें बताता है कि यहाँ विस्थापन हो रहा है या किसी चीज का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। सही, तो हम विस्थापन अभिक्रियाओं को कैसे परिभाषित करते हैं? एक विस्थापन अभिक्रिया वो है जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह में किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन या प्रतिस्थापन किया जाता है। उदाहरण के लिए मान ले कि ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ए बीसी से बी को विस्थापित कर सकता है और प्रतिक्रिया में दिखाए अनुसार एसी बनता है। आइए अब एक उदाहरण की मदद से विस्थापन अभिक्रियाओं को समझते हैं। तीन लोहे की कील लें और उन्हें रिग्मॉल से रगड़कर साफ करें। और फिर ए और बी के रूप में चिन्हित दो परख नलियां लें। प्रत्येक परख नली में लगभग 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लें। दो लोहे के कीलों को एक धागे में बांधें और लगभग 20 मिनट के लिए परख नली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में सावधानी से डुबोएं। तुलना के लिए एक लोहे की कील अलग रखें। 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट घोल से लोहे की कीलों को निकाल लें। अब हम परख नलियों ए और बी के कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करेंगे और एक तरफ रखे हुए लोहे के कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए लोहे के कील के रंगों की भी तुलना करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ गया है और लोहे की कील भूरे रंग की हो गई है। जो अभिक्रिया हुई वो थी आयरन की कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया, और क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया और आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। विस्थापन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं, सबसे पहले जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया में, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, वो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाने के लिए कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक इसी तरह लेड और कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया है, इसमें कॉपर और लेड क्लोराइड बनाने के लिए कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व हैं, इसलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब हम एक अन्य प्रकार की अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये विस्थापन अभिक्रियाओं के समान है, लेकिन जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये द्विविस्थापन है, यानी अन्य दो परमाणुओं द्वारा दो परमाणुओं का विस्थापन हो रहा है। वास्तव में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आइए अब हम एक उदाहरण की मदद से इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझें।
एक परख नली में लगभग 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन ले, एक अन्य परख नली में लगभग 3 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन ले, दोनों विलयनों को मिलाएं। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप प्रेसिपिटेट कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन आयन 2Cl- सोडियम सल्फेट से सल्फेट आयन SO4 2- को विस्थापित करता है और बेरियम आयन Ba2+ सोडियम सल्फेट से सोडियम 2Na+ को विस्थापित करता है, इसलिए ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों, है ना ये एक दिलचस्प अभिक्रिया? लेकिन ये अभिक्रिया क्यों होती है? Ba2+ तथा SO4 2- की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट BaSO4 के श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड NaCl का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे।